घटना घटी थी? भागलपुर जिले नाथनगर थाना क्षेत्र में दोगच्ची बाईपास है, वहाँ कवरेज में कर रहा था, वाहन जांच चल रहा था, मास्क जांच चल रहा था। वहाँ कवरेज करने के दौरान एसआई आनंद किशोर ने हमसे बदतमीजी किया, गाली गलौज किया और कोई कहा सुनी नहीं, डायरेक्ट वो गाली गलौज देते हुए मारना शुरू कर दिए। कितना भी पुलिसकर्मी भी दो चार बोले कि भाई प्रेस से है, छोड़ दीजिए, काहे ऐसे कर रहा है, लेकिन उन्होंने किसी का बात नहीं सुना और हमें मारा। मारने के दौरान मेरा कैमरा भी छीन लिया गया, माइक आईडी भी और आईडी तोड़ दिया गया है, टूटा हुआ आईडी है, यही आईडी है हमारे पास जो कि तोड़ दिया है, कैमरा लेके चल गया है। अगर पत्रकार मान के चले कवरेज नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर पत्रकार के साथ ऐसा घटना होता है तो हम पब्लिक के साथ क्या घटना होगा? बिहार सरकार मान के चले जो भी जिला प्रशासन है, तो अगर पत्रकार को रोका जाता है इस दरमियान तो लिखित आवेदन एक निकाले कि भाई कि इसे आपको पत्रकारिता नहीं करना है तो हम लोग छोड़ देंगे पत्रकारिता। जब पत्रकार के साथ ऐसा किया तो आम पब्लिक के साथ इन्होंने क्या करेगा? डीजीपी एक्शन ले इस पे, या तो हम लोग मान के चले काम कैसे करेंगे, ऐसे थोड़ी काम करेंगे। डीजीपी साहब से आग्रह है मेरा इस पे एक्शन ले। मैं अभी भागलपुर माता सा गुड़िया को लिखित आवेदन देने आया हूँ, मैं ऐसे जानकारी भी दे चुका हूँ और मैं लेटर सेंड भी कर चुका हूँ, एक लिखित आवेदन देने आया हूँ। लेकिन हाई कोर्ट का जो आदेश है कि अगर यदि पत्रकारों पर किसी भी प्रदेश में बदतमीजी होता है, सुन लीजिए, एसआई जो है आनंद किशोर मेरे घर पे एक दो चक्कर मार चुके हैं, वो खोज रहा है, चूँकि हम घर पे नहीं हैं, घर से बाहर हम हैं, लेकिन हमको पता चला है कि नाथनगर थाने से एक दरोगा आए थे बाइक से खोजने के लिए आपको। लेकिन हम घर पे नहीं हैं और वो बोल भी चुके हैं उस टाइम, जिस टाइम मारा बोला माधरचोद तुम पत्रकार लोग ऐसे ही करता है। अच्छा, आपका पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ शंकर कुमार यादव, हिंदुस्तान न्यूज़ 24 से, जिला से।